एवरीवन, मैं हूं आपके साथ नमिता सिद्धदेव और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्सकीड़ा सर उठा के जियो मोमेंट्स पावर्ड बाय hdfclife.com। मेरे साथ है नाना दत्तान, फॉर्मर क्रिकेटर, yes, I'm talking about a cricketing genius and inspiration to many young aspiring cricketers, the greatest of all time bowlers in the history of cricket. Yes, Mr. Wasim Akram. Welcome, sir. How are you? Thank you very much. I'm good. How are you? I hope आप ठीक हैं. Absolutely well. तो आज हम बात करेंगे वर्ल्ड कप के उन तीन बेस्ट मोमेंट्स की जहां पर प्लेयर्स ने अचीव किए माइलस्टोन्स और पूरी मैच्योरिटी के साथ अपनी टीम को दिया कंप्लीट प्रोटेक्शन। The target looks impossible. The fans are intensely praying. जीत का इंश्योरेंस करने के तो कई तरीके हैं, पर लाइफ में जीत की गारंटी करने के लिए HDFC लाइफ का संपूर्ण जीवन प्लान ही काम आएगा। लेकिन उससे पहले ना मैं वसीम सर से पूछना चाहूंगी कि उनके मुताबिक इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच में जीत का इंश्योरेंस प्लेयर कौन था, यानी कि किस प्लेयर ने अपनी टीम की जीत को इंश्योर कर दिया था। डेफिनेटली इस शामी अरसे बाद मैच खेला है, पहली बॉल पे विकेट, उसके बाद सीम लग रही थी, पेस आ रही थी, मिडिल ओवर में विकेट ली है, यॉर्कर पे आउट किया, सो या माय अवार्ड गोस टू हिम। तो हमें जीत का इंश्योरेंस प्लेयर को करना है। वैसे अगर आपको भी अपनी लाइफ में ना ऐसी जीत को इंश्योर करना है तो क्या करना है मालूम है ना? अभी लॉग इन कीजिए hdfclife.com पे और सिक्योर योर जीत का इंश्योरेंस नाउ। अभी बात कर लेते हैं मैच के तीन बेस्ट मोमेंट्स की, तो शुरू करते हैं सर उठा के जियो मोमेंट नंबर 3 से। नंबर 3 पे रहे रविंद्र जडेजा, 39 रन नॉट आउट हो रहे, 44 बॉल्स में 3 चौके और 1 छक्का, मैच विनिंग फॉर धोनी इन सीएसके एंड एमएस धोनी का बदला अगेंस्ट न्यूजीलैंड बाय हिटिंग द 4। मतलब वो बाउंड्री तो देखने लायक थी जिस अंदाज में उन्होंने फिनिश किया। 2019 की 77 रन क्या मैं याद है। What do you have to say about him? Yes, that was. I mean, he's a match winner. फील्डिंग में एक आधा कैच छोड़ा, वो ट्रेंड कर रहा था कल, और जो उसके दुनिया उसने जो अपने करियर में कैचेस पकड़े हैं, जो रन आउट किए हैं, फिर बैटिंग भी है, बॉलिंग भी है, फील्डिंग भी है, और किस काम तरीके से खेला है। वो एक्सपीरियंस्ड है, फर्स्ट क्लास में बड़े रन्स किए हुए हैं उसने, तो उसको ऐसी सिचुएशन का पता है, अंडर स्ट्रेस में, अंडर प्रेशर मैंने कैसे स्कोर करना है, एंड यू नो इज अ प्रॉपर ऑलराउंडर, सीरियस ऑलराउंडर। अब बात करते हैं सर उठा के जियो मोमेंट नंबर 2 की। 2 नंबर पे रहे रोहित शर्मा, जिनका 4 नंबर से काफी अच्छा रिश्ता रहा था। 46 रन, 40 बॉल्स, 4 फोर्स एंड 4 सिक्सेस। उनकी जर्सी में भी 4 और 5 यानी 4 है। सो उनके शानदार परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहेंगे? आप और आपके नंबर। I don't know about numbers, but one thing I know, that guy is an unbelievable player. अब उसने जो मैंने बताया कि हेनरी ने पहले 2 गेंदें की, उसको पढ़ के बाहर निकली, एक पढ़ के अंदर आ गया। अब एज अ कैप्टन, एज अ बैटर, ही रियलाइज भाई मैं इसको रोकू, भाई तंग करेगा। उसने तीसरी गेंद पे से निकल के छक्का मारा है बाहर स्टेडियम के, और बॉलर्स ऑन बैक फुट, अब वो बचने जा रहे हैं, फिर इधर चौका, फिर इधर चौका, फिर ऑल दो वो आउट हो गया, और उसने इंडियन टीम के लिए कल जो चेस था बहुत आसान कर दिया। मोमेंटम जो था जिसकी हम बात करते हैं वो वापस इंडिया की तरफ आ गया, एंड देन ओनली अ मैटर ऑफ टाइम दैट द ग्रेट मैन वॉक्स आउट विराट कोहली, एंड देन इट वाज जस्ट मैटर ऑफ टाइम दैट इंडिया वन दैट गेम कंफर्टेबली। और नंबर 1 पे रहे मोहम्मद शमी, 10 ओवर्स में 54 रन देके 5 विकेट उन्होंने लिए, और एमएस का बदला एमएस ने लिया। क्या कहेंगे आप सर उनकी एब्सोल्युटली बेहतरीन परफॉर्मेंस? Absolutely, you see, man of the match शायद शमी को ही मिला है कल, if I remember. You know, मुझे डर ये था कि आज आप थोड़ी सेंस आ गई ये लोगों में या क्रिकेट बोर्ड्स में। पहले एक हमारे जमाने में बैट्समैन 50 भी करता था ना, डेड विकेट पे 50 किया है, 60 किया है, और बॉलर लाइक माई सेल्फ वकार और शोएब अख्तर 3 आउट किए हैं 10 ओवरों में 35 रन देके, डेड विकेट पे मैन ऑफ द मैच बैटर को देते थे बैट्समैन को। एक कॉमन सेंस, ये कोई अजीब सी सेंस थी, बट नाउ थैंक गॉड थोड़ी सेंस वापस आ रही है। सो शमी वाज इवन माय मैन ऑफ द मैच। सो या ही बोल्ड वेल, बोल्ड ब्यूटीफुली एंड ही डिजर्व्ड इट। ये क्वालिटी है जो इन्होंने स्कॉट पिक किया इंडिया ने। 15 प्लेयर ऐसे पिक किए हैं जिनमें से कोई भी किसी वक्त भी प्लेइंग 11 में खेल सकता है और तैयार है। देखिए बहुत लोगों ने परफॉर्मेंस की है, यू नो अगर मैं नाम लूँ तो आपकी बॉलिंग जबरदस्त थी, ऊपर से बुमराह ने, सिराज ने 2-2 विकेटें, फिर कुलदीप गॉट हैमर्ड अ बिट, ही गॉट विकेट्स, 2 विकेट्स एज वेल इन द एंड, and Jadeja bowled economically in the middle. But I think if you come to batting, skipper Rohit played amazing innings. Usne ease up kar diye jis tarike se wo khela, and even Gill looked really good, really smooth. But I think and Virat Kohli, like I said, best finisher in the history of the game. 48 Test, T20 ODI hundreds. I thought ke 49 ho jayegi. But कर लेगा जल्दी, इसी वर्ल्ड कप में कर लेगा, 50 भी कर लेगा। तो आप देख रहे थे सर उठा के जियो मोमेंट्स पावर्ड बाय hdfclife.com। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक ना मैच की इनिंग्स में चाहे जो कुछ भी हो, पर लाइफ में ना फाइनेंशियल जीत के लिए सिर्फ HDFC लाइफ के प्लान्स ही काम आएंगे।